जब भी आप अपने मोटर व्हीकल के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हो तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आता है कि आपको कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, लीगली मैंडेटेड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक वाइडर कवरेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका भी यही सवाल है तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि इन दोनों प्लान्स में क्या डिफरेंस है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आज हम ये जानेंगे कि ये दो इंश्योरेंस पॉलिसी कौन से कवरेज प्रोवाइड करती हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनके क्या एक्सक्लूजन्स हैं। एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन शॉर्ट। तो पहले ये समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर थर्ड पार्टी है तो फर्स्ट और सेकेंड पार्टी भी होती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आप अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हो फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इसका मतलब कि आप फर्स्ट पार्टी हो और सेकंड पार्टी आपकी इंश्योरेंस कंपनी और आप दोनों के बीच में ये डील है। अब थर्ड पार्टी रोल में कैसे आती है? मान लो कि आप किसी ए पर्सन की गाड़ी ठोक देते हो। अब आपकी इंश्योरेंस कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो उस थर्ड पार्टी पर्सन को जिसकी गाड़ी आपने ठोकी है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अगेंस्ट द डैमेज व्हिच कॉज्ड ड्यू टू यू। तो ये है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बाय द वे, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। नेक्स्ट, डैमेज टू थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी पर्सन के प्रॉपर्टी के डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल, बाउंड्री वॉल, शॉप एक्सेट्रा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो कि राज गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते वक्त उसने गौरव की कार ठोकी। अब क्योंकि राज के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है विच इज मैंडेटरी, तो अब राज की इंश्योरेंस कंपनी गौरव की कार के डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अब ये जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कवर नहीं करती है। फर्स्ट इज ओन डैमेज। थर्ड पार्टी आपके अपने व्हीकल के डैमेज का कॉस्ट कवर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, राधा गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाते वक्त उसकी गाड़ी शॉप के गेट से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसकी इंश्योरेंस कंपनी शॉपकीपर के डैमेज का कॉस्ट तो कवर कर देगी पर राधा की गाड़ी के डैमेज का कॉस्ट कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट इज ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। अगर आप बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो और आप किसी की गाड़ी ठोक देते हो और उसके बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी होने पर क्लेम मांगते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट पे नहीं करेगी। नेक्स्ट इज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। अगर आप किसी भी तरह का नशा करके गाड़ी चलाते हो और ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट पे नहीं करेगी। नेक्स्ट इज ड्राइविंग आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया। देखो, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक ज्योग्राफिकल एरिया डिफाइन करती है और अगर आप उस ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर गाड़ी चलाते हुए डैमेज करते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट इज पैसेंजर्स आर नॉट कवर्ड। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी पर्सन की गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर के डेथ और डिसेबिलिटी को कवर नहीं करता है। द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस एज टू यू। जब आप थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस लेते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके व्हीकल को ऑपरेट करने की कुछ लिमिट्स प्रोवाइड करती है और अगर आप उस लिमिट से बाहर जाकर कोई भी डैमेज करते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार हायरिंग के लिए दे देते हो और ऐसे में कोई डैमेज होता है, या फिर आप अपने व्हीकल की स्पीड चेक करने की कोशिश करते हो, या फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज किसी कमर्शियल व्हीकल की तरह करते हो, या आप ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल चेक करने के लिए अपनी गाड़ी का यूज करते हो, तो इन सिनेरियो में आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये था थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी थर्ड पार्टी पर्सन और प्रॉपर्टी के डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती ही है बट ये आपके अपने व्हीकल के डैमेज और लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो अब ये जान लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कौन से कवरेजेस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज ओन डैमेज। क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो इसमें अगर आपकी अपनी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है या फिर वो चोरी हो जाती है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम अमाउंट पे करती है। द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच योर कंपनी गिव्स इज डिपेंडिंग अपॉन द आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आईडीवी मतलब आपके व्हीकल का वो मार्केट वैल्यू जिसे डेप्रिसिएशन हटाने के बाद काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी थर्ड पार्टी पर्सन और प्रॉपर्टी के डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर थर्ड पार्टी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है
तो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम अमाउंट उसकी फैमिली को या फिर उस पर्सन को पे करती है, दैट इज डिसाइडेड बाय कोर्ट एंड देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द सेम। बट अगर थर्ड पार्टी पर्सन का कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो मैक्सिमम कंपनसेशन अमाउंट विल बी 7.5 लाख। द नेक्स्ट इज add-ons। आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ add-ons ले सकते हो। देयर आर सो मेनी add-ons अवेलेबल इन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, रिटर्न टू इनवॉइस कवर, इंजन प्रोटेक्टर add-on, पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड सो ऑन। द नेक्स्ट कवरेज इज नो क्लेम बोनस। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में क्लेम नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम अमाउंट पर डिस्काउंट मिल सकता है एंड दिस इज व्हाट नो क्लेम बोनस इज। नाउ लेट्स नो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी कंडीशंस कवर नहीं करती है। द फर्स्ट इज वियर एंड टियर। कोई भी चीज एज के साथ और यूज के साथ पुरानी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड वियर एंड टियर। तो अगर आपके व्हीकल में कोई भी डैमेज वियर एंड टियर की वजह से आता है, that will not be covered by your insurance company. The next is drink and drive. If you are driving your car under the influence of alcohol or aise mein agar koi damage hota hai to ye aapki insurance company cover nahi karti hai. The next is consequential damage. Aapki comprehensive insurance policy kisi bhi tarah ka consequential damage cover nahi karti hai. Let's take an example. Maan lo ki Akshay gaadi chala raha hai aur uski gaadi breakdown ho jati hai. Now due to this, उसे अपनी गाड़ी को टो करके गैरेज तक ले जाना पड़ता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी का टायर डैमेज हो जाता है। अब ये जो टायर का डैमेज है ये उसकी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, बिकॉज इट इज कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज। द नेक्स्ट इज ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो और ऐसे में कोई डैमेज होता है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर नहीं करेगी। द नेक्स्ट इज व्हीकल बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पस। अगर आप अपनी गाड़ी का यूज कर रहे हो जिसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है और ऐसे में अगर कोई डैमेज होता है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे नहीं करेगी। एग्जांपल के लिए, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल व्हीकल की तरह यूज कर रहे हो, सो दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। सो दीज आर सम एक्सक्लूजंस अंडर दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। इट्स जस्ट अ स्मॉल लिस्ट। There are such more exclusions like this. So please ensure that whenever you make a purchase of a policy, do read the policy wordings carefully. Now let's compare third-party liability insurance and comprehensive insurance policy in short. The first is definition and coverage. जहाँ third-party liability insurance third-party person और property के damage के against protection provide करता है, वहीं comprehensive insurance policy third-party के साथ साथ आपके अपने व्हीकल के डैमेज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, लीगली मैंडेटेड। जहां थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस लीगली मैंडेटरी है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, वहीं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लीगली मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट इज add-ons। जहां थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में add-ons अवेलेबल नहीं होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपको add-ons प्रोवाइड कराती है और आप अपने व्हीकल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए add-ons खरीद सकते हो। The next is premium. Third party liability insurance का premium cheap होता है क्योंकि ये आपको limited coverage provide करता है, but comprehensive insurance policy का premium थोड़ा high होता है क्योंकि ये आपको wider coverage provide करता है। The next is discount. जहाँ third party liability insurance में आपको कोई भी discount available नहीं होता है, वहीं comprehensive insurance policy आपको कई तरह के discounts provide करवाती है, जैसे no claim bonus, voluntary deductibles, anti-theft devices and so on. So this is the difference between this third-party liability insurance and comprehensive insurance policy. उम्मीद है कि आपको ये difference समझ आ गया होगा and you will be able to make a better choice. So thanks a lot for watching the video. Do subscribe the channel and press the notification bell to keep getting updates.